Good morning. Welcome to another vlog. And let's start with another day. Boom. Hey, pretty baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. Tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. गुड मॉर्निंग गाइज, हाउ आर यू ऑल? और होप आपका दिन भी अच्छा जा रहा है गाइज। आज हम आए हैं कैफे तेसु, जो कि है एसएक्स फार्म में, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट। और चलिए आपको यहाँ पे लेके चलते हैं, आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगेगा। गाइज, कैफे तेसु एसएक्स फार्म के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में है। अगर आप जैसे एसएक्स फार्म के अंदर एंटर करेंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड पर दिख जाएगा। तो आज हम जा रहे हैं कैफे तेसु एक लंच एक्सपीरियंस के लिए। आई होप ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा। सो इसकी थीम बहुत ही डिफरेंट थी, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। पहले बीच में एकदम आर्किटेक्ट टाइप की एक वॉल है, और रूफ पे वाइन बॉटल होल्डर्स और इवन प्लांट्स भी हैं। सो काफ़ी डिफरेंट और रस्टिक थीम है, अच्छी लगी मेरे को इसकी थीम। और अब हम ट्राई करेंगे इसका खाना भी। और गाइस, जिस लोकेशन पे हम बैठे थे वहाँ से विंडो के बाहर व्यू भी बहुत अच्छा था। ये डायरेक्ट एसएक्स फार्म के बाहर वाली रोड है, और इतनी बड़ी विंडो है और बिल्कुल ही विंटेज फील आ रही थी यहाँ पे बैठ के। गाइज, इस रेस्टोरेंट में बिल्कुल आपको घर जैसी फील आने वाली है। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि एक कमर्शियल एनवायरनमेंट है, बहुत ही होम टाइप फील है। और यहाँ के जो स्टाफ भी है वो भी बहुत होमली फील कराते हैं आपको। आप देख सकते हो कि मैं कितने मज़े से बैठा हूँ। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या ऑर्डर करना है, और आई एम श्योर कोई पिज्ज़ा और एक और आदि एक दो और डिशेज मंगवाएंगे। गाइज, वैसे मेरे को रेस्टोरेंट का नाम भी बहुत ही डिफरेंट लगा, कैफे तेसु। सो गाइज, फाइनली हमारी स्पेगेटी आ गई है। सबसे पहले मैंने स्पेगेटी ऑर्डर करी है, उसके साथ मैंने एक पिज्ज़ा भी ऑर्डर किया है, मार्गरीटा पिज्ज़ा। सो पिज़्ज़ा की तो अभी हम वेट कर रहे हैं। दो आपको स्पेगेटी देख कैसे लग रही होगी कि टेस्टी नहीं है, लेकिन जब मैंने टेस्ट करी मेरे को ये बिल्कुल ठीक लगी। और गाइज, अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता है तो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिशेज जो हैं वो स्पेगेटी ही है, बोलोग्नीज। तो मेरे को स्पेगेटी बहुत ही पसंद है, और इनकी जो स्पेगेटी है इसको मैं अभी रेटिंग भी दूंगा। वैसे तो इतनी बुरी नहीं थी। सो गाइज, जब मैंने इसकी शक्ल देखी स्पेगेटी की, मेरे को आई वॉज़ नॉट श्योर कि मेरे को ये कैसी लगेगी, बट फिर भी मेरे को ये ठीक लगी, अच्छी लगी चिकन स्पेगेटी। और मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 7 इज़ गुड फॉर इट।
और गाइस हमारा मार्गरेटा पिज़्ज़ा भी आ गया है, और पिज़्ज़ा का फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा है। इसकी चीज़ बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत ही थिन क्रस्ट है, अच्छा है, मतलब डिसेंट लग रहा है पिज़्ज़ा। एक बार ही सीजनिंग डाल दो, फिर मैं आपको ट्राई करके भी बताता हूँ। गाइस इसकी चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्टिकी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी जब मैंने इसका फर्स्ट स्लाइस तोड़ा, सो आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि इतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ होगी। और इसको अब खा के देखते हैं कि ये कैसा है। देखो इसकी चीज़ इतनी सॉफ्ट और इतनी लचीली थी कि संभाल ही नहीं जा रही थी, एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इसकी चीज़ इतनी टेस्टी करेगी, टेस्ट लगेगी, इतनी अच्छी लगेगी फॉर श्योर। क्रस्ट को मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा इसका क्रस्ट खाने में, बट इसकी जो चीज़ थी इट वॉज सुपर ऑसम। एटलीस्ट जैसे ही पिज़्ज़ा आया, अगर मैंने गर्म गर्म खाना शुरू किया तो इट टेस्टेड सुपर ऑसम, एंड जस्ट बिकॉज इसकी चीज़ की क्वालिटी की वजह से ये पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा लगा। और इस पिज़्ज़ा को अगर मैं रेट करता हूँ आउट ऑफ 10, सो आई विल रेट इट 8 out of 10, क्योंकि आई हैव यू ऑब्वियसली टेस्टेड बेटर पिज़्ज़ास, एंड इसके लिए इतना बहुत है। सो गाइज मेरा फाइनल एक्सपीरियंस ये है, अगर आप कैफे तेसू अभी तक नहीं आए हो सो मैं ज़रूर कहूँगा कि यू शुड ट्राई कैफे तेसू इन एसेक्स फार्म। आओ आके देखो, एक्सपीरियंस करो। मुझे तो यहाँ का पिज़्ज़ा स्पेगेटी बहुत ही अच्छी लगी, और मैं हाँ यहाँ पे दोबारा आना चाहूँगा यहाँ के खाने के लिए, बट ओवरऑल फूड एक्सपीरियंस मैं इसको देना चाहूँगा 7 out of 10 ही, नॉट मोर देन दैट एंड नॉट लेस देन दैट। हाँ अब हम कुछ स्वीट डिश ऑर्डर करेंगे खाने के बाद, सो फटाफट से फिनिश करते हैं अपना फूड और देखते हैं कि कुछ स्वीट डिश छोटी मोटी ऑर्डर की जाए, क्योंकि आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट इनकी डिज़र्ट्स ऑन जोमैटो एंड एवरीवेयर, सो आई विल डेफिनेटली ट्राई वन ऑफ देयर स्वीट डिश एज वेल। And guys, here comes our Nutella waffles. Though I am not a meethe ka fan, I don't like much meetha, but agar main kisi apne friend wagaira ke saath aaya aur unko meetha pasand hai to main saath mein thoda sa le leta hu. Itna bhi bura nahi lagta mere ko meetha. So ab hum fatafat se try karenge Nutella waffles aur main aapko bataunga ki mere ko kaisa laga. बेसिकली लुक्स और प्रेजेंटेशन से इट वॉज़ वेरी नाइस। न्यूटेला अच्छे से डाला गया था वॉफल्स पे, साथ में व्हिप्ड क्रीम की टॉपिंग थी, और उसके बाद वॉलनट भी लगाया गया था हनी में डिप्ड। सो द प्रेजेंटेशन वॉज सुपर ऑसम, और यस द वॉफल, देखो डेजर्ट्स के नेवर बी बैड, ज़्यादातर टाइम डेजर्ट ऑब्वियसली अच्छे होते ही हैं हर जगह ही। So I will rate it 8 out of 10, and yes guys, dessert ही ऐसी चीज़ थी जब वो मैंने यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा रेट करी, और मैं ऐसा इंसान हूँ जो डेजर्ट नहीं खाता है, तो डेफिनेटली मेरे को न्यूटेला वॉफल अच्छा ही लगा। सो आप लोग भी ट्राई कीजिए, यहाँ पे आइए न्यूटेला वॉफल ट्राई करो, और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, सर्विंग बहुत अच्छी है, क्वान्टिटी अच्छी है फूड की, एवरीथिंग इज़ नाइस। सो but they can do a little better on other foods such as spaghetti and pizzas, they can do a little better because I've had so much better pizzas and spaghettis in other restaurants such as Dig In and Big Chill, which are not very big restaurants, but haan agar wo kar sakte hain to ye bhi kar sakte hain। So guys maine aapko ek aur cheez nahi batayi hai ki yahan pe live music bhi hai, hum sunte hain thodi si jhalak yahan ke live music ki taki aapko pata lage कि यहाँ पे किस टाइप का लाइव म्यूज़िक चलता है, और फिर हम चलते हैं घर की तरफ और इस ब्लॉग को करते हैं एंड।
inside lane. Missing exits, glued to the pavement. Between the lines, I keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fly. सो गाइस करते हैं यहाँ पे व्लॉग को एंड. होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो एंड इफ़ यू एंजॉय टुडेज वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन और ये व्लॉग अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. अगर मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करो. टिल देन बाय बाय बूम.